जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य सरकार हाय 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 हाय। हम सरकार हाय 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 हाय। 60-40 ना चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। 60-40 ना चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो। जयराम जी, आप जो है आज आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, कितने घंटे थाने में बैठाई और क्या क्या आपको प्रशासन ने कहा? लगभग टाइमिंग तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ चार घंटा। तो वहीं दो तीन को थाना का चक्कर लगाया गया, क्योंकि सूचना उनको मिल रही थी कि इस थाना में, तो लड़का लोग वहाँ पहुँच रहा था। इस तरह दो तीन छन्ना का चक्कर काटते काटते ग्राउंड में हम लोग को रखा गया था, और फिर कागजी प्रक्रिया के बाद छोड़ दिया गया। बाद में फोन कर, क्यों हिरासत में लिया था, क्या कहा गया आपको? देखिए, हमें कहा गया कि मैंने आपकी उपस्थिति से आंदोलन में मैंने थोड़ा सा लग रहा है कि सरकार के ऐसे भी सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं, तो उनका कहना है कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए मैंने विधि व्यवस्था को डैमेज कर रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे, जबकि हम तो आज शांति से बैठे थे। जब पूरा देखे लाठीचार्ज, उस समय हम बोले कि हम लोग भागेंगे नहीं, जिनको भागदौड़ करना है करे, लेकिन हम लोग भागेंगे नहीं। हम तो वहीं और चप्पल खोल के अपना बैठ गए और बोले कि अगर मारना है तो सर पे मारिए, ताकि और जान जाने मैंने इलाज करने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन हम भागेंगे नहीं। या तो हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी उपस्थिति से आंदोलन उग्र हो सकता है, मैंने उनका कहना था। लेकिन हमारी तरफ से, क्योंकि पूरा आंदोलन जब से हमारी एंट्री हुई है पूरा लाइव चला है, यानी कोई एक पल भी ऐसा नहीं था जब हम कैमरा में नहीं थे, यानी कोई भी अगर उठा के देख ले हमारा घटनाक्रम, हम शांतिपूर्ण तरीके से थे। और हमने तो स्पष्ट कहा कि आंदोलन तो छात्रों नेतृत्व कर रहे हैं, हम तो उनको सपोर्ट करने के लिए आए थे, और हम भी जो बैठे भी थे तो पीछे की पंक्ति में बैठे थे, जिस तरह एक साधारण छात्र बैठा होता है। बाकी नेतृत्व रांची के साथ ही कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि भागदौड़ होने लगी, लाठीचार्ज होने लगा, फिर उस समय हम आगे आए और बाकी लोग पीछे गए। हम आगे आए और बोले कि नहीं, अब लाठीचार्ज हो रहा है, अगर हमारे साथी ऊपर होगी तो पहला लाठी हम पर ही चलाया जाए। तो फिर हम लोग वहीं बैठ गए, बोले लाठी चलाना चलाइए, हम लोग भागेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको डिटेन करना है। बोले जो करना है कीजिए, हम लोग भागेंगे नहीं। और आज तो शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु को उनकी शहादत को नमन करते हैं, और बिल्कुल चूंकि उनको अगर आदर्श मानते हैं तो आज हमें साबित भी करना था कि उनको सच में आदर्श मानते हैं। हमने साबित किया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हमारे साथियों को किसी को चार डंडा, किसी को पांच डंडा लगा, तो किसी का पीठ फटा, तो किसी का हाथ टूटा, इस तरह का बहुत सारा चोटिल हुआ, लेकिन हमारे जो साथी जो मेरे करीब थे वो भागे नहीं। बाकी तो खैर स्वाभाविक है, मानवीय व्यवहार है कि अगर लाठी चार्ज आंसू गए तो लोग तो पीछे जाएंगे, उसके लिए हम बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा यही था कि अगर छात्र रुक जाते हैं एकजुटता के साथ, जिस संख्या के साथ हम लोग जमा हुए थे, तो शायद और बेहतर परिणाम होता। तो हम लोग, हमने तो स्पष्ट कर दिया था, दुनिया भाग जाए फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग टिके रहेंगे। और आपको जो करना है, मारना है, सर फड़ना है, लाठी पाँव तोड़ना है, हाथ तोड़ना है, फर्क नहीं, आपको केस भी करना है, जहाँ ले जाइएगा। और बिल्कुल हमने उसी परिचय दिया, क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है, अगर उनको आदर्श मानते हैं तो पीछे हटने कोई सवाल नहीं है। वो असेंबली में बम फोड़ने के बाद खड़े थे, हम लोग उस आंदोलन में लाठीचार्ज होने के बावजूद खड़े थे, और वो हम लोग अभी भी खड़े हैं। ये चार घंटे थाना में रहने के बाद और पुलिस का इतने चक्कर लगाने के बाद, क्या जोश जुनून कम हुआ जयराम का, कि उसी जुनून के साथ जयराम जो है? जन्म ही हुआ है उफान के लिए, हम लोग का जन्म ही हुआ है तूफान के लिए, लोगों के हक अधिकार की बात करने के लिए हुआ है। तो जब तक जिंदा है, जब तक सांसें हैं, हम लोग पीछे ना हटेंगे, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे। अच्छा जयराम, अब तो आपकी रिहाई हो गई है, रिहाई के बाद क्या कहिएगा सरकार को, पुलिस को, और ये पूरा जो आज का पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले सरकार को तो हम वही बात कहेंगे जो रिपीट करते हैं, कि आप थोड़ा सा क्यों मूर्खतापूर्ण नीतियां लेकर आते हैं। 60-40 की नीति कैसे चल सकती है? 40% आप पूरे भारत को बेच दीजिएगा नौकरियों को। ईमानदारी से आप कहें, आप ऑन रिकॉर्ड हैं, बहुत सारे प्रशासनिक लोग हमसे ऐसे मिले, उन्होंने अपने दर्द को सुनाया कि देखिए हम लोग भी झारखंड के हैं और बड़ी मुश्किल से तीसरा चौथा अटैम्प्ट में नौकरी ली है, जो कि नाम नहीं कहेंगे, देखे रहे हैं हमारे साथ किसी फोटो दिख रहा है तो सस्पेंड हो जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने दर्द को समझाया कि बाबू आप लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना ड्यूटी में बंधा हुआ है, हम लोग सरकार के तंत्र हैं, हमें अपना ड्यूटी करना पड़ता है। तो हमने भी कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं, हमारी लड़ाई सिस्टम से, बिल्कुल हम लोग भी तीसरे चौथे अटैम्प्ट में अपनी नौकरी को किए। आज अगर प्रशासन में अगर हम लोग है भी तो बहुत दर्द के साथ, झारखंड के साथ वास्तव में दर्द हो रहा है। 40% क्यों बाहर को जाएगा? बिहार में 40% जाता है क्या? छत्तीसगढ़ उड़ीसा में 40% बाहर के राज्यों को जाता है क्या? तो फिर झारखंड चारा गांव क्यों बनेगा? 10% दीजिए, 90% झारखंडियों को रिजर्व हो, उसके बाद जितना जैसा जिला है 24 जिला का सर्वे कीजिए, वहाँ कौन सा लोकल लैंग्वेज है, क्या भाषा संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, उनको 300 नंबर 400 नंबर का सिलेबस में डालिए। कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो झारखंड का जिसमें कि मैंने झारखंडी भाषाओं के बिना एग्जाम हो, सभी भाषाओं झारखंड की जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं जिला वाइज उनका सर्वे करें और उनको शामिल करें। उससे क्या होगा? बैरियर होगा। उड़ीसा जाइए कितना सुंदर बैरियर लगा है, बंगाल चले जाइए कितना सुंदर बैरियर लगा है, लेकिन झारखंड में अगर कितना दुख का बात है और कितना बेहूदगी मैंने निर्णय लेकर आए, कितना शर्मनाक बात है कि इंग्लिश को भी यहाँ लोकल लैंग्वेज का मान्यता है।
हाय रे छी छी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण इंग्लिश, जबकि हमारे पास तो पॉलिसी नहीं कि झारखंड का कौन है, इसका मतलब इंग्लैंड का भी बंदा आके आराम से एग्जाम लिख के पास हो सकता है क्योंकि इंग्लिश हमारा लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं कि झारखंड का कौन है। अतः इंग्लैंड का भी, अमेरिका का भी, आयरलैंड का भी और स्विट्जरलैंड का भी आदमी अंग्रेजी जानने वाला झारखंड में आके नौकरी कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। इतना बड़ा बेहूदगी के साथ मजाक चल रहा है इस राज्य में। तो हमारी लड़ाई जो जेन्युइन है वो हमारे साथ है। बहुत सारे साथी मिले जो बोले नहीं भाई हम लोग बिहार राज्य संबंध है, लेकिन आपकी लड़ाई में बिल्कुल साथ है। ये 60-40 कहीं नहीं है, तो बिल्कुल 10% 15% अन्य राज्यों के लिए ओपन रहे, बाकी जो है वो मूल झारखंडियों के लिए रहे। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। जो भी प्रशासनिक लोग जिन्होंने आज भले लाठीचार्ज किया है, लेकिन लाठीचार्ज करने के बाद उन्होंने कहा हम ड्यूटी है इसे लाठीचार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी मानते हैं ये गलत नीति है। जयराम जी, आप आज जो है पूरा घटनाक्रम हुआ, आप शुरुआत से एक बार बता दीजिए, क्योंकि आपके कई चाहने वाले जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि जयराम को जब पुलिस ने हिरासत में लिया, हिरासत में लिए जाने के बाद से जयराम को छोड़ने तक पुलिस ने क्या कुछ किया आपके साथ? सबसे पहले हम लोग काफ़ी भीड़ थी, हम लोग जुटे हुए थे प्रशासन के द्वारा, जो विधि व्यवस्था ADM है महोदय, उन्होंने अनाउंसमेंट किया अपने माइक से कि आप लोग यहाँ से चले जाएं नहीं तो हम लोग लाठीचार्ज करेंगे। तो हमने कहा कि लाठीचार्ज कीजिए, चाहे जो कीजिए, हम लोग का कदम पीछे नहीं हटेगा, हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो फिलहाल लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ, हमारे कुछ साथी जो कि मानवीय व्यवहार है लाठीचार्ज और आंसू के साथ तो पीछे हटना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग हटे नहीं, जितना लाठी जोर से चला उतना हम लोग आगे बढ़े। हमारे कुछ साथी हमको पकड़ के थे कि नहीं आपको छोड़ेंगे नहीं, तो फिलहाल, और हमने भी कहा कि आज भगत सिंह की शहादत दिवस है, अतः अगर हमें मारते मारते शहीद भी कर देंगे लेकिन हम लोग आपकी लाठी से डर से पीछे नहीं हटेंगे। फिर हम लोग को वहाँ से ADM महोदय के द्वारा डिटेन किया गया कि नहीं आज शाम तक, जब तक कि मैंने शाम नहीं ढलती है आपको डिटेन किया जाता है, और वे वहाँ लेकर जाते हैं 2-3 थाना, चूँकि हम लोग भी परिचित है रांची के क्षेत्रों से, कहाँ कहाँ घुमाया गया आइडिया नहीं है, लेकिन 2-3 थाना का चक्कर हम लोग को काटा गया। फाइनली एक मैदान था खुला, वहाँ ले जाकर हमें काफ़ी मैंने आपको कब छोड़ा गया? अभी अभी अंधेरे अंधेरे जब शाम ढल गई, शाम ढलने की आपको धुरवा से गिरफ्तारी हुई, आपको वहाँ विधानसभा के पास से जगन्नाथपुर थाना के पास से, और वहाँ से गिरफ्तारी करके आपको कहाँ लाकर छोड़ा गया? हम लोग अभी और मांझी पार किया गया, मैंने रांची की सीमा के बाद छोड़ा गया। और क्या कहकर छोड़ा गया है? यही कहकर छोड़ा गया कि आपसे मैंने आग्रह होगा कि जो भी हुआ हुआ, और हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप लोग अब यहाँ से घर चले जाइए, रात्रि को फिर वापस रांची मत आइएगा, ये कहते हुए छोड़ा गया। चेतावनी देकर छोड़ा गया? चेतावनी नहीं, एक तरह से आग्रह किया है, चेतावनी तो देते तो फिर खड़ा हो जाएगा। जयराम जी, जो आज जो प्रोटेस्ट पूरा हुआ, जिस तरीके से छात्र सड़क पे उतरे, CM ने लगभग 1 घंटे तक विधानसभा में भी बोला, लेकिन एक बार 60-40 नीति को लेकर नहीं बोला, पत्रकारों से बात की तब भी नहीं बोला, लेकिन जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे, क्या कहिएगा छात्रों को लेकर? वो असमंजस में है, आप लोग सड़कों पर है, लेकिन स्थितियाँ कुछ सुधरती भी नहीं दिख रही है। देखिए, सबसे पहली बात है, कोई भी लड़ाई तभी जीती जा सकती है तब जब तक कि प्रत्येक राज्य में जितना भी जिला है, जितना भी ब्लॉक है, वहाँ के प्रत्येक छात्रों में जब तक उबाल नहीं होगा, जब तक उनके पास जानकारी नहीं होगी। आज मैं पढ़ने वाली युवा पीढ़ी सोशल मीडिया रील्स में है, टिकटॉक में है, वीडियोज में है, तो उन्हें क्या पता चलेगा कि हमारे राज्य के साथ क्या दुर्दशा की जा रही है? तो इसीलिए जब पूरे स्टेट में मूवमेंट होगा, प्रत्येक जिला का मुख्यालय में एक ही दिन, गिरिडीह में, रांची में, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ में जो मेन चौक है वहाँ पर अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, चाहे पुतला दहन हो या फिर कैंडल मार्च, जो भी तरह से जब एक साथ पूरे स्टेट का 24 का 24 जिला, 262-263 जो प्रखंड है हमारे, वहाँ अगर मूवमेंट होगा तो इससे क्या होगा कि बहुत बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। और आज करना ही होगा, अगर नहीं करते तो झारखंड के साथ भारी भूल होगी। भले आज, चूंकि देखिए स्टूडेंट है पढ़ने वाले, आज 15-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो हो सके हम भी अगर होते तो बोलते चलो भाई 60 ही है उसी में फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन क्या होगा आने वाले 20 सालों में जब ये फिर 40 वाले क्या हो जाएंगे, 60 में आ जाएंगे, और नए 40 फिर उस रास्ते से आएंगे, फिर आने वाले 20 सालों में वे लोग 60 में आ जाएंगे, और नए 40 फिर माने झारखंडी माने, तो इस तरह चलता रहेगा। इसीलिए आज अगर इस बैरियर को नहीं बंद किया जाता है तो आप देख सकते हैं आज कहीं भी जाते हैं तो झारखंड में फील ही नहीं होता हम झारखंड में, खासकर आपके रांची के कुछ क्षेत्र में हो जाता है, लेकिन धनबाद बोकारो के टाउन में चले जाते हैं, चाहे प्रशासनिक विभाग हो या कोई भी विभाग हो, फील ही नहीं होता झारखंड का, सारे पदाधिकारी बाहर राज्यों के, सारे अधिकारी बाहर राज्यों के। तो भैया हम लोग क्यों झारखंड लिए, क्या झालमुड़ी बेचने के लिए झारखंड राज्य लिए हैं? और हमने किसी को कहा गलत बोला? हमने तो कभी बिहार राज्य, बिहार बंगाल उड़ीसा को लेकर कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं कहा, हमने ये कहा कि राज्य हमारा है, बिहार में पहला अधिकार बिहार को जाता है, बंगाल में पहला अधिकार बंगाल को जाता है, उनके फॉर्म में लिखा है कि बंगाल का निवासी हो, बिहार का निवासी हो, उड़ीसा का निवासी हो, तो झारखंड में कहने फॉर्म आ रहा है कि झारखंड का निवासी हो, ये भारत का नागरिक क्यों होगा?
तो यही हमारी मांग है। हमारी लड़ाई किसी भी स्तर से छात्रों की लड़ाई गलत नहीं है। आज अगर राज्य सरकार इस पर नियम नहीं बनाती है तो 20-25 सालों में जो झारखंड के मूल लोग हैं वो धीरे धीरे अपनी ज़मीनों को छोड़ते हुए, अपनी नौकरियों को छोड़ते हुए, और ऐसे नौकरियां छीनी रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं रिफ्यूजी बन जाएंगे। और ऐसा ना हो, क्योंकि राज्य हमने रिफ्यूजी बनने के लिए नहीं लिया है, यह राज्य हमने हक पाने के लिए लिया है, यह राज्य हमने उन्नति करने के लिए लिया है। अतः हमारी उन्नति का अवसर कैसे हो, इसके लिए नियोजन होना चाहिए। और नियोजन में प्राथमिकता हमें कैसे मिले, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट से लेकर ठेकेदारी में, यह राज्य सरकार का जिम्मा है। ठीक है, जयराम जी, बन्ना गुप्ता बोलते हैं कि पुलिस की लाठी से जो है हम नेता बने और मंत्री बन गए हैं। आज पहली बार आपका जो है पुलिस से इस तरीके से सामना हुआ, डिटेन किया गया, थानों में रखा गया, घुमाया गया, तब जयराम फ्यूचर देख रहे कि विधानसभा पहुंच जाएंगे। सबसे पहला बात, ये जो वो लोगों का बयान है कि लाठी डंडा, ठीक है, एक समय चलता था लाठी डंडा जिसमें आंदोलन होता, लेकिन अब ये नया जमाना है, लाठी डंडा का जमाना नहीं है, अब है पढ़ा लिखा का जमाना, जिसके पास विजन है, जिसके पास मिशन है। बन्ना मंत्री बनाए थे इसीलिए आज मैंने बोलता है कि मुर्गा पका के खाओ, मिशन ले से, विजन ले से। तो ऐसे लोग नेता मंत्री बने हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। तो हम लोग नए जमाने के, हाँ ये है कि हम लोग ये सोच के नहीं आए कि हमें लीडर बनना है, अगर ये सोच के आते हैं तो कम से कम आज हम भी भाग जाते हैं, बहुत चांस था। लड़का लोग बोला कि लाठी चार्ज होने लगा, चलो हम बोले ना लाठी चार्ज हो रहा है, अगर एक भी साथी लाठी खाएगा तो अगर हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे तो ये भगत सिंह को जो हम आदर्श मानते हैं, अपना टी शर्ट भगत सिंह को लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं वो केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा। इसलिए हम बोले लाठी चलता है, हम आगे आएंगे। तो फिर मेरे चार साथी बोले नहीं, आपके साथ हम लोग आए हैं घर से, हम भी जाएंगे। फिर हम लोग खड़ा हो गए, हमारे साथियों को लगभग 4 डंडा, किसी को 5 डंडा लगा, किसी का पीठ फटा, किसी का हाथ टूटा, लेकिन फाइनली हम लोग पीछे नहीं हटे। मारपीट भी कुछ ऐसा कि आपके साथ कुछ किया गया? नहीं नहीं, हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ, क्योंकि हमको घेर के रखा था। और मैंने एडीएम साहब जो है पहले से परिचय था कि ये जरा महत्व है, तो उन्होंने बस खाली टीना खींची हुआ, तो मेरा जो ये शर्ट है इसको कुछ बोल, ये थोड़ा सा फटा है, बाकी मैंने हमारे साथ मारपीट नहीं हुआ। लेकिन हमारे साथी जो हम, क्योंकि साथी भी हमको पकड़ के थे, ऐसे हमको कैप्चर कर लिए थे, घेर लिए थे, तो हमारे अगर हमको तो लाठी चला नहीं, लेकिन इन पर किसी पर 4 डंडा 5 डंडा, किसी का पीठ फटा है, ये हुआ, ये घटना घटी है कि किसी का खून बहा है, ब्लड बहा है, तो ये घटनाएं घटी है। तो हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण कृत्य है राज्य सरकार के द्वारा। उन्हें छात्रों से हमने भी तो बात कर, ऐसा बात नहीं कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2 दिन पहले ही हम लोग का आंदोलन का टाइम था, लेकिन हमने वार्ता किया कि चलिए भाई वार्ता करते हैं, रांची के साथियों ने वार्ता किया, लेकिन वार्ता देखिए विफल रही। फिर आप 60-40 लेकर आए ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो क्या करेंगे। हाँ, एक मैंने जागरूक युवा होने के नाते और ऊपर से हम लोग दूर की सोच रहे हैं कि भविष्य क्या होगा, तो उसके नाते हमें कहीं ना कहीं आंदोलन करना चाहिए था, अपनी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए थी। और हम लोग संवैधानिक रास्ते से आंदोलन करने आए थे, हम लोग 3 पेज में आवेदन दिए हैं अपने आंदोलन का कि हम लोग कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, और उसको परमिशन मिला है। यदि आपको आंदोलन नहीं करने देना होता तो आप वहीं लिख देते हैं कि इस आंदोलन को हम प्रतिबंधित करते हैं, वहाँ रिसीविंग है हम लोग का, जो भी अधिक माने हस्ताक्षर के लिए अधिकारियों को गया है वहाँ से हमारा रिसीविंग आया, फिर हम लोग आंदोलन के लिए आए हैं। तो कुल मिलाकर हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। हाँ, कुछ त्रुटियां अगर मैंने उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं तो उसके लिए हम बोले वीडियो फुटेज आप लोग जारी कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग की तरफ से जो है छात्र जो है विधानसभा के बेहद करीब चले गए, अंदर सदन चल रहा था, जिस तरीके से सत्ताएं निर्धारित था कि इस रास्ते से जाना है, यहाँ पे रुकना, उसके बाद विधानसभा की तरफ बढ़ना, पुलिस में पत्थर चलाना, ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, जहाँ तक मेरा, हमने स्पष्ट कहा है कि हमने आंदोलन को शुरू से देखा है। कुछ लोग ऐसे प्रवेश कर जाते हैं जो चाहते हैं कि आंदोलन दिग्भ्रमित हो, कुछ लोग चाहते हैं कि मैंने इसमें पक्ष विपक्ष राजनीति हो जाए, बाकी हमारे लोग हैं, हमने तो स्पष्ट, हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो या ज़मीन पर जाकर जब हमने आह्वान किया तो स्पष्ट कहा कि अनुशासन के साथ करना है। हमारी तरफ से आप फुटेज होगा, जो लोग हैं उनको चिन्हित कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग जब से, खासकर मेरी जब से एंट्री हुई, हम एकदम कैमरा के साथ रहे, ऑन कैमरा हम रहे हैं, हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण और जो हम लोग लिख के दिए उसी के अनुसार हम लोग। आप जब पुलिस डिटेन करके आपको ले गई तो आप पे कुछ दबाव भी बनाया जा रहा था कि आप इन चीज़ों में मत रहिए, सरकार को टारगेट मत कीजिए, ऐसा कुछ दबाव भी बनाने की कोशिश की गई या सीधा आपको गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया? नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने, हालांकि अब सबने कहा कि आप लोग का काम बढ़िया है, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है, बस संवैधानिक तरीके से कीजिए और आप थोड़ा सा प्रशासन को कोऑपरेट कीजिए, प्रशासन आपको कोऑपरेट करेगी, इस टाइप का बात कर रही थी। लेकिन हमने कहा कि सर अगर आप लोग कोऑपरेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो शांतिपूर्ण बैठे ही थे बीच में, हम और हम लोग तो वार्ता चाहते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लोग वार्ता नहीं चाहते हैं। अतः उनका प्रयास था कि थोड़ा सा मनोबल को डाउन किया जाए, इसीलिए तो उन्होंने डिटेन करने का प्रयास किया, लाठीचार्ज भी मनोबल को डाउन करने के लिए किया था। लेकिन हम लोग का मनोबल डाउन नहीं होगा, बल्कि जितना लाठियाँ चलेंगे, जितना हम पर पहरा होगा, घाव उतना गहरा होगा और तगड़ा होगा।
किस किस थाने में आपको ले जाया गया, किस किस थाने में? सर एक वो थाना का ढंग से नाम पढ़ पाए, दूसरा का अनगौड़ा और क्या था बगल का, फिर हम लोग को मैंने चार पाँच घंटे तक आपको घुमाते ही रहेगा क्या? हाँ लगभग हमको शुरू हुआ स्टार्टिंग में लगा पूरा रांची हम लोग घूम रहे हैं। खाने पीने के लिए कुछ दिया था? हाँ बाद में आया तो क्या एक सेव का मैंने एक कटोरी में सेव था, स्प्राइट लाए और थोड़ा सा चार पाँच दाना अनार का लाल लाल था और एक छोटा सा छिलका टाइप का मीठा रोटी, तो मैंने लास्ट को शाम को हल्का सा हुआ है तो वो मानवता के नाते चलिए उनका उसके लिए धन्यवाद। हालांकि प्रशासन का जो आज व्यवहार रहा चाहे सरकार के दबाव में हो या जब भी हो थोड़ा सा निंदनीय है, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था। ठीक है जयराम जयराम।